An international conference on the right way of living, a three-day Vichar Mahakumbh, has been organized in Neora, Ujjain from the 12th of May, that's yesterday. The scholars gathered at Ujjain, they say that Kumbh is not only a fair but a congregation of diverse thoughts that need to be disseminated. Prime Minister Modi will be addressing the conclave on the 14th, that's tomorrow. Sri Lankan President Maithripala Sirisena is a special invitee. Dignitaries from 41 countries will be attending the conclave. All right, joining us at the moment is a correspondent, Aditya Shrivastava, tracking developments from the Vichar Mahakumbh in Ujjain. Aditya, the three-day international conference was inaugurated yesterday by the RSS chief. Give us more details. We'll, of course, come back to what was discussed during the conference yesterday. But what can we expect? What can we expect today? देखिए आज अगर बात की जाए इस कॉन्फ्रेंस की तो दूसरा दिन इसका है और कुछ तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है. कुटीर ग्रामोद्योग एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी. इसके अलावा महिलाओं पर चर्चा होगी, शक्ति की बात होगी और शक्ति कैसे हमारे देश में सनातन काल से जो है, पुरातत्व काल से जो है, शक्ति किस तरह से काम कर रही है उस पर विचार किया जाएगा. आज जो दूसरा सेशन होगा उसमें गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा होंगी और पहले सेशन में जो है श्रीलंका के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एडवाइजर हैं, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के एडवाइजर हैं, होंगे. और पर्यावरण पर भी चर्चा होगी. वो पर्यावरण पर बताएंगे किस तरह से देश और विदेशों में पर्यावरण को लेकर काम हो रहा है. इस पूरी कॉन्फ्रेंस में जो मंथन निकलकर सामने आएगा, सबसे मुख्य बात नैसी ये है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो अमृत देश भारत में ही नहीं, भारत के तमाम राज्यों में ही नहीं बल्कि यूएन तक इसकी गूंज सुनाई देगी, वहां तक उसके छींटे जाएंगे. और जब एक मंच होता है, एक मंच पर तब हर तरीके के लोग होते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो चिंतक हो, विचारक हो, वो जब एक साथ बैठते हैं और समस्या समाधान जब निकलते हैं उस पर जब विचार होता है तो वो काफी सराहनीय होता है, वो काफी कारगर सिद्ध होगा. जो जो हम नहीं कह रहे, जो यहाँ पे आ रहे हैं साधु संत कह रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं वो कह रहे हैं. जैसे कल की अगर बात की जाए तो कल नदियों को लेकर चर्चा की गई, नदियों को कैसे बचाया जाए, नदियों का कैसे संरक्षण किया जाए और नदियों को कैसे ढूंढा जाए. कुछ नदियां ऐसी हैं हमारे देश में जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनको भी बचाना जरूरी है, कैसे अच्छी जिंदगी जी जाए, इस पर भी लेक्चर हुआ. राम माधव ने इस पर बातचीत की. आदित्य, the fact that Prime Minister is going to address the conclave tomorrow, and he of course will be accompanied by the Sri Lankan President. So this sort of international pitch to this Vichar Mahakumbh, and perhaps the international dignitary coming all the way from Sri Lanka to be part of the special congregation, in the sense, how significant is that going to be? देखिए अगर कल की अगर बात की जाए, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो बातें होंगी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री हमेशा से हर चीज़ों को लेकर, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो धर्म की क्या स्थिति होनी चाहिए हमारे देश के अंदर, और पर उसको चीज़ों को कैसे बचाना है, संस्कृतियों को कैसे बचाना है, सद्भावनाओं को कैसे बनाए रखना है, समरसता कैसे होनी चाहिए, स्वच्छता को लेकर बात होनी चाहिए, इन जो जिन टॉपिक्स पर चर्चा हुई है इन दो दिन में होगी, कल हुई है, आज होगी, उसका पूरा निचोड़ जो है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो उसके कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आ सकते हैं. और जब प्रधानमंत्री जिस मंच से होंगे और जिस मंच से वो बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया को भी एक संदेश जाएगा कि भारत में आखिर चल क्या रहा है, भारत में उज्जैन शहर के अंदर जब कुंभ चल रहा है उसमें किस तरह के मंथन निकल कर आए हैं और भारत ने तय क्या किया है. ये सबसे एक गाइडलाइन निकलेगी और एक प्रस्ताव निकलेगा, एक पेपर डॉक्यूमेंट होगा. वो पेपर डॉक्यूमेंट ये बताएगा कि अब हमें किस तरह से आगे हर वर्ग को लेकर काम करना होगा, उस पर विचार क्या हुआ, उस पर मंथन क्या हुआ. श्रीलंका की आपने बात करी, वहां के राष्ट्रपति होंगे. स्वाभाविक सी बात है कि देश और विदेश से लोग यहां पर आए हुए हैं और उनका यही फोकस है, यही मंथन है, यही विचार है कि जो विकृतियां हैं उनको कैसे समाप्त की जाए. सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में ही सारी विकृतियां हैं, हर देश और हर दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और उसका इफेक्ट जो होता है वो दूसरे देशों को भी पड़ता है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बात की जाए, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था को लेकर बात की जाए, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर बात की जाए, हर चीज की उस पर चर्चा होगी. ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट इश्यूज
were deliberated yesterday and will continue today as well. Tomorrow, of course, Prime Minister will be addressing the valedictory session at the Vichar Mahakumbh along with Sri Lankan President Maithripala Sirisena. So important issues like how to conserve and protect our important natural resources like the conservation of rivers, the protection of rivers, and as well as a proposal, a paper document will be made out, and of course that will be made public, deliberation, and then of course deliberation on important issues and how taking every section of society together in the development of the nation. In fact, along the with conservation and, resources. Diplomats, the 41 nations are participating in this particular Mahakumbh, and Prime Minister, like Nancy just mentioned, will be speaking there tomorrow, addressing gathering. Thank you. And now we are slipping.